ये सब नहीं बताया कि क्या चल रहा है. ऑफकोर्स उसके ये जाके नहीं बोल सकती कि आई डोंट नो कि रितिका के पेट में किसका बच्चा है. ऐसे उसकी दोस्त है, मैं क्या जाके उससे शेयर करूँ. तो अनलेस अंटिल आई एम श्योर मैं शिखर को ऑफकोर्स नहीं बताऊँ. शिखर उसको हमेशा कहता रहता है कि तुम मुझ पर भरोसा करो, यू कैन शेयर एवरीथिंग विद मी, तुम खुलकर मुझसे बात कर सकती हो. तो देखो करनी चाहिए ना, आपको नहीं लगता है करनी चाहिए, बता देना चाहिए ना मुझे. बट अंटिल आई एम द सॉल्यूशन टू योर प्रॉब्लम स्वीटहार्ट. पहले ही प्यार करता है लेकिन अब उसकी शादी हो गई है, उसकी अलग लाइफ हो गई है, तो उसमें ये वापस आके शी डिडंट वांट टू स्क्रू इट अप. अभी जो सीन किया उसके बाद ये वाला लगा ऑफ स्क्रीन में कौन सी कितनी बातें करते हैं. अच्छा ऑन स्क्रीन गाड़ी के पास ये चल रहा था कि ऑफकोर्स ऐसे शिखर बहुत अच्छे से लोगों को रीड कर लेता है, ही इज प्रीटी मैच्योर, तो उसको पता लग जाता है कि कौन क्या सोच रहा है. प्लस ही इज अ लॉयर, तो उसको और परख हो जाती है इंसान की. सो मैं बस नॉर्मली मैं अभी सुपर कन्फ्यूज कि व्हाट्स हैपनिंग इन लाइफ. सो मैं बस सुपर कन्फ्यूज सोच रही थी, तो ही आस्क्ड मी कि क्या हुआ एंड आई ट्राई टू लाइक अरे नथिंग. तो उसने आराम से गाड़ी रोकी, मुझे समझाया कि यू नो इफ यू हैविंग सेकेंड थाट्स या कुछ भी, If you want to share anything, just share it with me. या कुछ भी है तो शादी से पहले मुझे बता दो exactly कि तुम exactly क्या feel करती हो and what is it. But you know ना ये शानी है. शानी नहीं बताने वाली. नहीं unless and until वो sure है कि क्या exactly हो रहा है, क्या situation है, क्या सच्चाई है. कभी कभी आप ऐसा भी होता है ना, चाहे कोई कितना भी कहे, but कभी कभी ऐसा होता है कि आप कहना तो सब कुछ चाहते हो लेकिन कह नहीं पाते. Because the situation is such. Because it's the situation is such and life is very strange. और मेरी आशिकी में काफी strange relationships हैं सबके and we are living up to it. Yeah. Okay. Thank you. Thank you so much and keep watching. मेरी आशिकी तुमसे.